एशिया कप 2023 में फिर होगा भारत पाकिस्तान का मैच, इस तारीख को होगा आमना सामना। एशिया कप 2023 के भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच खेला गया मैच खराब मौसम के चलते रद्द कर दिया गया। इन दोनों टीमों के बीच एक बार फिर फैंस को टक्कर देखने को मिल सकती है। एशिया कप 2023 का तीसरा मैच भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच खेला गया, लेकिन ये मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका और खराब मौसम के चलते रद्द कर दिया गया। भारत टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 266 रन बनाए, इसके बाद पाकिस्तानी टीम बल्लेबाजी ही नहीं कर पाई। लेकिन दोनों देशों के फैंस के लिए एक अच्छी खबर यह है कि एशिया कप 2023 में इन दोनों टीमों के बीच जल्द एक और मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारत के खिलाफ मैच रद्द होने के चलते पाकिस्तान की टीम ने सुपर चार में अपनी जगह पक्की कर ली है। ऐसे में टीम इंडिया अपने अगले मैच में नेपाल को हरा देती है तो वह भी सुपर चार में पहुंच जाएगी। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के फैंस को सुपर चार में 10 सितंबर को दोनों टीमों के बीच एक बार फिर मैच देखने को मिल सकता है। वहीं दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो 17 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच इस टूर्नामेंट में तीसरी भिड़ंत होने की उम्मीद है। हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की शानदार 68 पारी के दम पर भारत ने शहनशाह अफरीदी के दिए हुए शुरुआती झटकों में उभरते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 266 रन बनाए। ईशान किशन ने 81 गेंदों में 82 और हार्दिक पांड्या ने 90 गेंदों में 87 रन बनाए। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 141 गेंदों में 138 रन की साझेदारी करके टीम को मजबूत स्कोर दिया। इससे पहले पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों अफरीदी और हरीश रौफ ने मिलकर भारत के टॉप ऑर्डर के 4 विकेट 14.1 ओवर में 66 रन पर निकाल दिए थे, लेकिन बारिश के चलते दूसरी पारी का खेल नहीं खेला जा सका। शहनशाह अफरीदी ने 35 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि हरीश रौफ ने 58 रन देकर 3 विकेट निकाले और नसीम शाह को भी 3 विकेट मिले। एशिया कप के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब एक पारी में सभी 10 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के मैच में आप किस खिलाड़ी से ज़्यादा प्रभावित हुए, हमें उस खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।